नमस्कार, TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान पीएम ने काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी भी की। पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह एक ऐसी जगह है जहां हर यात्रा आत्मा को समृद्ध करती है और आपको असम के दिल से गहराई से जोड़ती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय असम के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पहले दिन प्रधानमंत्री ने लंबा रोड शो किया। वहीं दूसरे दिन काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पर बैठकर जंगल सफारी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर है और तस्वीरें देखिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री हाथी पर बैठकर जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क में पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप असम के दौरे पर पहुंचे तो काजीरंगा जरूर जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी राज्य में जा रहे हैं वहां के पर्यटन को विस्तार करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जम्मू कश्मीर गए, वहां के पर्यटन को लेकर प्रधानमंत्री ने काफी प्रशंसा की। उससे पहले प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, वहां से भी प्रधानमंत्री ने वहां के फोटो को एक्स पर पोस्ट किया था। और अब प्रधानमंत्री असम गए, असम में बड़ी स्वागतें दी, रोड शो किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क का आज लुत्फ उठाया, वहां जंगल सफारी की। हाथी पर बैठकर प्रधानमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क का मनमोहक दृश्य देखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। आपको बता दें आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क का लुत्फ उठाया है। काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंची और वहां तमाम तरह के जानवरों से मुलाकात की, जानवरों को देखा और साथ ही हाथी पर बैठकर जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर किए गए पोस्ट को हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद लोगों से भी आग्रह किया है कि जब भी आप अगर यहां आए तो एक बार जरूर पहुंचे, यह यात्रा आपकी अंतरात्मा को झकझोर देगी, आपको यहां मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर पहुंचे थे कल और आज दूसरा दिन था उनके दौरे का और काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां प्रधानमंत्री ने हाथी पर बैठकर, ये तस्वीरें देखिए, हाथी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री को देखिए किस तरीके से हाथियों के साथ वह खेलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथियों को गन्ना खिलाते हुए प्रधानमंत्री की यह तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे थे और वहां की तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के काजीरंगा को नेशनल लेवल पर पर्यटन के लिए डेवलप करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री की कोशिश है कि प्रत्येक राज्य के पर्यटन को विस्तार दिया जाए और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री आज जब असम पहुंचे तो उन्होंने काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी निरीक्षण किया, पहुंचे और खुद एक टूरिस्ट की तरह हाथी पर बैठकर जंगल सफारी का उन्होंने आनंद उठाया। हाथियों के साथ यह प्रधानमंत्री का गन्ना खिलाते हुए तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क में लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जंगलों में गाड़ियों से बैठकर वह लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री टेलीस्कोप के जरिए भी दूर जंगली जानवरों को देख रहे हैं। साथ ही हाथियों के साथ भी प्रधानमंत्री के गन्ना खिलाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाफलंग टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको बता दें यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री ने जमकर यहाँ लुत्फ उठाया। साथ ही प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि जिस भी राज्य में जाएं वहां के पर्यटन को विस्तार दें। पर्यटन एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा ही योगदान देने की मूल्य रखता है और साथ ही आपको बता दें कि पर्यटन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भाषणों में जिक्र किया जाता है। प्रधानमंत्री हमेशा पर्यटन को विस्तार देने की बात करते हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर जाएं, उत्तराखंड जाएं या फिर प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाएं। और अब ये ताज़ा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो असम के वर्ल्ड हेरिटेज काजीरंगा की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
वहीं इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उड़ीसा से, जहां बीजेपी बीजेडी के बीच गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन पर बातचीत फेल हो गई है। आपको बता दें कि सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठ पाया है दोनों पार्टियों के बीच, और इसके बाद बीजेपी का बयान निकलकर सामने आया, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ टीवी 27 न्यूज पर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन फेल हो गया है। आपको बता दें सीटों पर तालमेल नहीं हुई, जिसके बाद बीजेपी का बयान निकलकर सामने आया, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आखिर उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन क्यों फेल हुआ, कहां मामला अटका? बिल्कुल बेशक दिनकर, देखिए दिल्ली में दो अलग अलग बड़े बड़े नेताओं से बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई है, उसके बाद तमाम बीजू जनता दल के जो नेता हैं वो वापस उड़ीसा पहुंचते हैं, और वहां पे उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है मनमोहन सामल, वो कहते हैं कि अब पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, जो गठबंधन की बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी थी, बीजेपी चाहती थी कि लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़े, और जो बीजू जनता दल है बीजेडी वो 7 सीटों पर चुनाव लड़े, और उसके अलावा बीजेडी चाहती थी कि विधानसभा में 114 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि मौजूदा विधायक करीबन 114 उनके हैं। तो ऐसे में शायद इसी मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं 50 से ज्यादा सीटों चुनाव लड़ना चाहती है, और ऐसे में लगातार इस बात को लेकर मंथन जारी था। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल का जो बयान आया उसे साफ नजर आया कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में जो रास्ते हैं वो अलग अलग होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये था कि लगातार जो एनडीए 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए उड़ीसा का किला भेजना भी जरूरी था बीजेपी के लिए, लेकिन उस रास्ते में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा नजर आ रहा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है दिनकर कि जो उड़ीसा में पूरी सीट है उस सीट को लेकर भी बीजेडी चाहती कि वहां से उनका उम्मीदवार उतरे, और बीजेपी चाहती कि वहां से उनका उम्मीदवार उतरे, तो वहां भी लेकर उस मुद्दे को लेकर भी पूरी की सीट को लेकर भी चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। तो माना जा रहा है कि अब बीजेपी और बीजेडी के बीच में आने वाले समय में अलायंस नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ये भी खबर निकल के आ रही कि 12 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उड़ीसा के दौरे पे है, तो हो सकता कि उस वक्त जो बीजेडी के प्रमुख है नवीन पटनायक और मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात हो सकती है, और फिर से जो गठबंधन की चर्चा उसको शुरुआत मिल सकती है। लेकिन अभी जो पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जहां 2009 में जो 11 साल का गठबंधन बीजेपी और बीजेडी का टूटा था, एक बार उम्मीदें जताई गई कि शायद एक बार फिर से बीजेपी और बीजेडी के रास्ते एक हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जो मिशन 400 है, अगर यह झटका है तो फिर बीजेपी का मिशन उड़ीसा में किस तरीके से परवान चढ़ेगा, क्योंकि उड़ीसा में 12 सीटों पर अभी भी बीजेडी काबिज है, और जहां 43% बीजेडी के पास अभी भी वोट शेयर है। पंकज, बिल्कुल, देखो बेशक बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में बड़े भाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, और विधानसभा में क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं, तो ऐसे है कि बीजेपी चाहती है कि उड़ीसा में बड़े भाई के तौर पर बीजेडी चुनाव लड़ेगे और लोकसभा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है, और खासतौर पर जो पूरी सीट है उसको लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। और दूसरा जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, बीजेडी चाहती है 112 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि मौजूदा जो विधायक है 114 बीजेडी के पास है, तो ऐसे में वो समीकरण बनता नजर भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच पर दिखता नहीं आ रहा है। लेकिन इंतजार 12 तारीख का किया जाएगा, जब दो बड़े नेता आपस में मुलाकात होगी तो उसमें क्या कुछ निकल के आता है वो इंटरेस्टिंग होगा। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जहां बीजेपी खुद उड़ीसा में बड़े भाई के रूप में नजर आना चाह रही थी, वहां बीजेडी के झटके के बाद क्या बीजेपी वहां संभल पाएगी, क्योंकि एक तरफ से दोनों के कार्यकर्ताओं का मेलजोल देखा जा रहा था, और अब जब दोनों के रास्ते जुदा होंगे दोनों के लिए कितनी कठिनाइयां सामने आएंगी, क्योंकि कांग्रेस जिसके पास एक सीट है वहां पे अब भी बहुत स्ट्रगल करने की कोशिश में है, लेकिन जब बीजेडी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो नतीजे किसके फेवर में हो सकते हैं?
देखिए बिल्कुल बेशक, देखिए बीजू जनता दल का एक बड़ा ही प्रभाव है उड़ीसा में, तो माना जा रहा है कि इसका इस बार चुनाव में भी बीजू जनता दल को फायदा मिलेगा बीजेडी को। लेकिन दूसरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम शीर्ष नेता है तैयारी कर रहे हैं। संबित पात्रा खुद पिछले कई दिनों से उड़ीसा में तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर। उसके अलावा अगर और भी वरिष्ठ नेताओं की बात करूँ तो वो भी लगातार उड़ीसा का दौरा करते नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह 12 तारीख को उड़ीसा जा रहे हैं, तो कहने की भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि बेहतर नतीजे उनके फेवर में जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो तालमेल है दोनों पार्टियों के बीच में वो बनता दिख नहीं रहा है, और कहने इसका फायदा जरूर बीजेपी को मिलता नजर आएगा, और बीजेपी चाहती लोकसभा चुनाव में बेहतर से बेहतर नतीजे। जी बिल्कुल पंकज, एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी बड़े भाई के रोल में इस वजह से रहना चाहती है कि अगर उसने उड़ीसा में अगर ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो बगल में मध्य महाराष्ट्र है, वहां पे भी शिवसेना सिंधे गुट और अजीत पवार गुट सीट मांग रहे हैं, लगातार उनके लिए भी मुश्किलें सामने आएगी और फिर वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश करेंगे बीजेपी पर। देखिए उड़ीसा की राजनीति डिफरेंट है दिनकर, वहां पे इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि बीजू जनता दल कभी भी अपने क्षेत्र से बाहर चुनाव नहीं लड़ती है, वो अपने क्षेत्र पर रहती है और उनका एक अलग वर्चस्व है उड़ीसा में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है जिन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना किला फतेह किया है, वो भी चाहती है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी भगवा रंग लहराए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाए। तो ऐसे में लगातार प्रयास जारी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या समीकरण तय होते हैं, क्योंकि स्टेट बॉडी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से अब कोई गठबंधन नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री को उपहार दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सेला टनल समेत कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे हैं और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और ईटानगर से पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। राज्यों के मंत्रीगण, सांसद साथी, सभी विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और इन सभी राज्यों के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अरुणाचल अनेकों बार आया हूं, लेकिन आज मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। यानी जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से, जहां मंत्रालय भवन में भीषण आग लग गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं TV27 न्यूज पर, जहां भोपाल में मंत्रालय भवन में इस वक्त भीषण आग लग गई है। भोपाल से अब बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं मंत्रालय भवन में भीषण आग लग गई है। बल्लभ भवन में भीषण आग लग गई है इस वक्त की बड़ी जानकारी। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट पंकज खरे मौके पर मौजूद हैं। वह तस्वीरें देखिए आप, मंत्रालय बिल्डिंग की आग की तस्वीरें, ऊंची उठती हुई लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं
कितनी भीषण आग लगी होगी। आप मंत्रालय भवन की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आप टीवी 27 न्यूज पर और साथ ही फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंचती गाड़ियों को देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट पंकज खरे भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि भोपाल में मंत्रालय भवन में भीषण आग लग गई है, कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको मंत्रालय भवन के आग को लेकर? देखिए, बिल्कुल मंत्रालय भवन की ये घटना है और आज अब से कुछ देर पहले हल्की आग की लपटें जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि आग ने विकराल रूप ले लिया है और इसकी जो लपटें हैं काफी दूर तक जो है दिखाई दे रही हैं। फिलहाल पहले दूसरे तीसरे माले पर आग लगने की सूचना है, दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन बिल्कुल नीरज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि मंत्रालय भवन में आग लग जाना कोई आसान बात नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है और इसमें बिल्डिंग को कितना नुकसान हुआ है, कई दस्तावेज भी जल गए हैं, ऐसी भी खबर निकल कर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो बल्लभ भवन में आग लगी है उस मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है जांच के निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आग का कारण क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो आग लगने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर एसी में जो ब्लास्ट है वो हो सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसी भवन में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के दफ्तर भी हैं नीरज, ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि जहां मुख्यमंत्री का भवन हो, कई मंत्रियों का भवन हो, जहां इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हो और लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी हादसा निकलकर सामने आना कई सवाल खड़े करता है और विपक्ष भी इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाएगी। साहब बिल्कुल, देखिए सतपुड़ा भवन में जिस तरह से आग लगी और सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद जिस तरह से जो अब जो दूसरी आग जो बल्लभ भवन में लगी है वो कहीं ना कहीं काफी भीषण आग है और अब जो है फायर ब्रिगेड की टीमें जो है मौके पे पहुंच चुकी हैं और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। फिलहाल सबसे पहले जो जरूरत है वो आग को बुझाने की है। जी बिल्कुल नीरज, और इस आग लगने की खबर कब निकलकर सामने आई और कौन कौन सी मंजिल पर आग लगी है, क्योंकि खबर निकलकर सामने आई कि पहले पहली मंजिल पर आग लगी, उसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, फिर 2-3 मालों पर ये आग फैलती गई। देखिए बिल्कुल, जिस समय जब बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुमित पचौरी को भाजपा की सदस्यता दिलवा रहे थे, तमाम अलग कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उस समय ये आग की लपटें काफी हल्की थी। हालांकि वीडियो जरूर वायरल हुए थे हल्की लपटों के, लेकिन उनसे ये लग रहा था कि छोटी मोटी आग लगी है, लेकिन धीरे धीरे वो आग इतनी फैलती जा रही है कि अब उस आग ने जो है विकराल रूप ले लिया है। जी लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि इससे पहले भी 2023 में भी इस भवन के सामने सतपाड़ा भवन में भी भीषण आग लग गई थी, एक के बाद ऐसे रिहायशी जगहों पर आग लगना कोई आम बात नहीं है नीरज। बिल्कुल, देखिए चाहे सतपुड़ा भवन की बात कर ली जाए या बल्लभ भवन की बात कर ली जाए, हालांकि बल्लभ भवन की बात हम करें तो बल्लभ भवन पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया गया है, करोड़ों अरबों रुपए उस पूरे बल्लभ भवन में खर्च किए गए हैं और मंत्रियों के बैठने की वहां पर जो है व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद जिस तरह से फायर जो सिस्टम है वो आखिर एक्टिवेट नहीं था और आखिर इतना बड़ा हादसा किस तरह क्या क्यों हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से फायर सेफ्टी के इंतजाम भी उस बल्लभ भवन में पूरे कभी सारा VIP जो मूवमेंट है वो बल्लभ भवन में ही रहता है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रदेश के मंत्री तक बल्लभ भवन में मौजूद रहते हैं और ऐसे में आग लगना कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान खड़े जरूर करती है। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन सवाल यह भी है कि जब यह आग लगी उस वक्त क्या बिल्डिंग में पहली फ्लोर दूसरी फ्लोर पर कोई आदमी मौजूद नहीं था, कोई वहां पे गार्ड मौजूद नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था नहीं थी क्या, और इस मामले में अब तक कोई जनहानि की भी सूचना है क्या? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मंत्रालय है उसको रिनोवेट किया गया है, काफी अच्छा काफी हाईटेक तरीके से उसको बनाया गया है, हालांकि फायर सेफ्टी सिस्टम वहां लगाया हुआ है। ठीक है नीरज, आप बने रहिए, लेकिन इस बीच हम आपको सुनाते हैं कि इस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। मैं भी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी यही कि बल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए, और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन
दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए, और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए। मैं अभी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी यही कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए, और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले इसका भी ध्यान रखें। बिल्कुल, अभी आपको हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सुनाया। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली, मैं भी भोपाल में था, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है, और इसके साथ ही उन्होंने निर्देश भी जारी किया कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। देखिए, बिल्कुल आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, क्योंकि तमाम जो फायर ब्रिगेड थे उनको तत्काल मौके पर बुला लिया गया था। एयरपोर्ट से भी फायर ब्रिगेड के जो टीम है जो उसको बुला लिया गया था। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम के जो फायर फाइटर्स है वो किस तरह से चढ़कर जो है आग पर काबू पा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जो है बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई, क्योंकि अब से कुछ देर पहले की ही ये घटना है। अब हालांकि फिलहाल जैसे ही उनको जानकारी मिली उन्होंने जो है इसके जांच के आदेश दे दिए है। आखिर क्या कारण रहे आपके और आखिर ये आग क्यों लगी है? जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि सवाल तो उठेंगे और मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि इससे पहले जब 2023 में सतपुड़ा भवन का आपने और हमने जिक्र किया कि उस वक्त आग लगी थी, तो विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि अभी चुनाव नजदीक है और सारी फाइलें जला दी गई, तो इस बार मुख्यमंत्री ने समय रहते ही जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जब सतपुड़ा भवन में जो आग लगी थी उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष काफी हमलावर हो गया था, और विपक्ष ने जो है कभी चुनाव के पहले का समय था तो विपक्ष का आरोप था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष ने इसमें आग लगाई है। और जरूरी जो स्वास्थ्य सेवाओं से, क्योंकि उस समय जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी तो सबसे बड़ी बात यह थी कि स्वास्थ्य विभाग का जो ऑफिस था जो कार्यालय था उसमें आग पूरी तरह से पकड़ ली गई थी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य विभाग के जो घोटाले हैं उनको छुपाने के लिए आग लगाई गई है। लेकिन आज की जो वल्लभ भवन में जो आज आग लगी है उसका क्या कारण है ये अभी जब जांच होगी उसके बाद ही सामने आएगा। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि काफी सारे अहम जो दस्तावेज है वो जरूर जलकर खाक हो गए हैं। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन अंत में मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना में अब तक किसी जनहानि की सूचना मिली है क्या, क्योंकि खबर तो यह है कि सिर्फ दस्तावेज जले हैं। देखिए, चूंकि आज सैटरडे है और आज कहीं ना कहीं मंत्रालय की छुट्टी थी तो इस कारण जो है कर्मचारी मंत्रालय नहीं पहुंचे थे और सुबह का समय था इस कारण कोई भी कर्मचारी नहीं था। हालांकि गार्ड्स वगैरह थे जो कि काफी जो नीचे बैठे हुए थे उनको जब हल्की लपटे उठनी दिखाई नहीं तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी और तत्काल जो है फायर ब्रिगेड का हमला मंत्रालय में पहुंच गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो भोपाल के मंत्रालय में आग की खबर आपके साथ साझा कर रहे थे और इस तस्वीरों को देखिए किस तरीके से ऊंची ऊंची लपटों को आप देखिए। इससे पहले 2023 में भी वल्लभ भवन के सामने सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसमें कई फाइलें जलकर राख हुई हैं, इन पूरे मामलात की जाँच करवाई जाएगी। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।